हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हां, आज मैं अगेन एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डिश शेयर करूंगी जिससे आपका वेट एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीम वेट लॉस होगा। जैसे मुझसे बोल रहे हैं कि आप लोग आपने वेट फैट कैसे लॉस किया है, तो उस ड्रिंक तो मैं नहीं बोलूँगी, समर कूलर उसे बोलूँगी, कि अगर उस चीज़ को आपने लिया अमेजिंग से अमेजिंग रिजल्ट होगा, यानी कि आपका फैट बहुत अच्छे से लॉस होगा और इवन आप उसे पेट भर सकते हो। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहते हो, आप अपना लंच स्किप करना चाहते हो या फिर डिनर स्किप करना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मैंने कुछ सीड्स भी उसमें डाले हैं जिसके थ्रू अगर आपको बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही है तो वो उसकी भी पूर्ति करेगा। बताऊंगी कि मैंने फैट कैसे लॉस किया है, तो ये भी उस मेरे इस डिश ने भी उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। मुझे कभी कभी स्नैकिंग की ज़रूरत होती थी या मुझे कभी कभी हल्की फुल्की भूख लगती थी, तो उसमें ये चीज़ मैं यूज़ करती थी। कुछ सीड्स भी यूज़ करती थी जो कि मेरे आगे की भूख को कम करते थे, साथ ही साथ मेरे हेयर को काफ़ी स्वस्थ रखते हैं, मेरी स्किन को काफ़ी स्वस्थ रखते हैं, मेरे नेल्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। क्योंकि जब आप डाइटिंग के उसमें होते हो तो कुछ न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं आपकी रेगुलर डाइट के, जिसके थ्रू इन सब चीज़ों पे भी इफेक्ट आता है। लेकिन इन सीड्स के जरिए, जैसे मैंने अभी बहुत सारे ड्रिंक्स आपको बताए, बहुत सारी डिश बताई, लेकिन अब टाइम आया है कि मैं आपको कुछ जो सीड्स मैं हमेशा लेती हूँ, अपनी ऐड करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में, तो अब वो टाइम भी आ गया है कि मैं डे बाई डे आपको उन चीज़ों से भी इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करिए, यानी कि रेड बटन को ग्रे कर दीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन लगा है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिश को बनाने के लिए आपको चाहिए जौ, जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल प्रोडक्ट है, आपको कुछ भी नहीं इसके लिए करना है। मार्केट से लीजिए, बहुत अच्छे से बीन लीजिए, सारा जो कचरा है निकाल दीजिए, वॉश कर लीजिए, वॉश करके इसे सुखा लीजिए धूप में, देन इसके बाद आपको रोस्ट करना है। इतना प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया है। जैसे आप जीरा को भूनते हो, धनिया को, खड़ी धनिया को भूनते हो, वैसे आपको इसे हल्का गुलाबी होने तक भूनना है, देन आपको इसे ग्राइंडर में पीस लेना है। बहुत इजी वे में पीसता है, कोई भी इसके लिए स्पेसिफिक मशीन की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर का ग्राइंडर है उसी में बहुत अच्छे से पीस जाएगा। देन इसके बाद आप जिस चलनी से आटा चालते हो या फिर दूसरी भी चलनी, मतलब कि नॉर्मल चलनी हो, स्ट्रेनर हो, आपको इससे उसमें चालना है और बहुत अच्छे से चाल के जो पतला नीचे निकलेगा वही आपका जो सत्तू हो जाएगा। इतना प्योर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती है। जैसे हम बोलते नहीं है कि गांव की चीज़ें हमें चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसका एक तोड़ निकाला कि इतनी शुद्ध चीज़ें मुझे कैसे अवेलेबल हों। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो आई डोंट नो कि उसमें क्या चीज़ मिला है क्या चीज़ नहीं मिला है, क्योंकि ये मेरे खुद के हाथों का बना है, तो इसमें मैंने ऐसा कुछ भी 100%। देन उसके बाद आप ये देखिए मेरा जो सत्तू है बुन के रेडी है। अगर ऊपर का जो बचा हुआ भाग है उसे आप दोबारा एक बार ग्राइंड कर लीजिए, देन उसके बाद आप दोबारा चाल लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक कप लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप सुंदर सा कप ले लीजिए, 4 टेबल स्पून मैं इसमें सत्तू डालूंगी। उसके बाद आपको कर्ड चाहिए, थिक कर्ड, नॉर्मल कर्ड, जैसा आपके पास है। मेरे पास इस समय थोड़ा सा वैसा है, बहुत थिक नहीं है। तो 4 to 5 टेबल स्पून डाल के फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ग्लास खाली रखिए और इसके बाद मिक्स करने की जगह मतलब छोड़ दीजिए। अगर मिक्स करने की जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा। और उसके बाद आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और आपको इसमें शुगर वुगर नहीं ऐड करनी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी, क्योंकि दही जो है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, जिससे कि जो हल्का सा शुगर वाला दही नहीं होना चाहिए, जो हल्का सा मीठा मीठा रहता है दही, वो वाला आपको दही चाहिए। और बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो ये गर्मियों का समर कूलर है और आप इससे जितना चाहे खा सकते हैं, जब भी आपको भूख लगे आप खा सकते हैं। फैट लॉस जर्नी में इसने मेरी बहुत हेल्प की। और इसके बाद अब आते हैं हम मेन इंग्रेडिएंट के बारे में, जो एक चीज़ और डालूंगी जो जिसने मेरे दिल को काफ़ी स्वस्थ रखा, यानी कि मेरे हार्ट को काफ़ी स्वस्थ रखा है। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सनफ्लावर सीड्स की, सूरजमुखी के बीजों की, जो आपको इतनी जल्दी तो मार्केट में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो वो शुद्ध नहीं होंगी, तो इसलिए मैंने न्यू हर्ब्स के सनफ्लावर सीड्स को मंगवाया है, जो रिच इन
फाइबर होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है, 100% वेजिटेरियन है और काफ़ी अगर आप देखेंगे ग्लूटेन फ्री है, साथ ही साथ बहुत ही शुद्ध है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं 170 रुपए का है, बहुत ही सस्ता है, सारे इंग्रेडिएंट्स सारी चीज़ लिखी हुई है कैसे आप यूज़ करूँ। सनफ्लावर सीड्स इसलिए भी मैं लेती हूँ कि मेरे हार्ट को स्वस्थ रखता है, इसमें विटामिन ई और सी होता है, ई जो है स्किन को काफ़ी स्वस्थ रखता है, वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है, ई जो है वो बोन्स को काफ़ी अच्छा रखता है और ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा। इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल नहीं रूह अफ़ज़ा या कोई और फ्लेवर आप ऐड कर सकते हो। ये जो है सनफ्लावर सीड्स ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज करता है, जिससे कि बॉडी में हीट होती है, वेट लॉस होता है, फाइबर होता है, पाचन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मोटापे से आपको दूर रखेगा और साथ ही साथ सनफ्लावर सीड्स में पॉलीसैचुरेटेड फैट एंड मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल के फेंक देता है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है। हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, मैग्नीशियम होता है, मतलब बहुत सारे गुण हैं। मैंने तो अभी बहुत इसके जो हैं वो बेनिफिट्स गिनवाए हैं, लेकिन एक बार जरूर यूज़ करिएगा, लिंक नीचे है, आप इसे खरीद सकते हैं, इसे बनाइए, इंजॉय करिए और बॉडी का फैट पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स देखा, 100% नेचुरल, 100% होममेड, कोई भी ऐसे शक की गुंजाइश नहीं है कि मुझे ये इसमें कुछ मिलावट मिला होगा, इसमें कुछ भी ऐसा मिला होगा, 100% सब कुछ आपके सामने होगा और जब आप इसे खाओगे तो काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आएगा, आपको मन में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस, ये चीज़ मैंने खुद से बनाई है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।